नमस्कार। 3 मई सन 2022, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूक्रेन की एक घोषणा से जिससे पूरा विश्व चमत्कृत हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 3 मई सन 2022। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज़ पर लगातार आपको अपडेट देता है, विश्लेषण देता है, रिसर्च रिपोर्ट देता है, उसमें अनाज यानी ग्रेन्स भी एक शामिल है। गौरतलब है कि यूक्रेन के राष्ट्रीय टीवी पर बोलते हुए वायस स्टोक स्कीवी ने एक आशंका जताई है कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में जो 15 लाख टन अनाज का भंडारण किया गया था उसे रूस की सेना ने चुरा लिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में अपने कब्जे वाले क्षेत्र से अनाज चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि रूस के सैनिकों ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के खतरे को बढ़ाने वाला करार दिया है। यूक्रेन के कृषि मंत्रालय ने यहां तक कहा है कि गत 2 सप्ताहों के दौरान अनाज चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और सोलेस्की के हवाले से उन्होंने कहा है कि कब्जे वाले क्षेत्र में कई सिलों के मालिकों ने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में सुना गया है। यह पूरी तरह से चोरी है और नाइंसाफ़ी है। इतना ही नहीं, रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के लगभग सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की चोरियां हो रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि इस प्रकार की स्थिति की वजह से बिना कब्जे वाले क्षेत्र में खाद्य समस्या खड़ी हो सकती है। कृषि मंत्री यूक्रेन ने कहा है देश के दक्षिणी क्षेत्रों में जल्दी ही गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है। इस स्थिति की वजह से किसान कह सकते हैं कि ये ट्रैक्टर की चाबी ले जाओ और तुम जहाँ चाहते हो स्वयं की फसलें काट लो। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते इस प्रकार की जानकारी कहां से आ रही है और कौन दे रहा है। कृषि मंत्रालय के बीते सप्ताह में कहा गया था रूस के हमले के बाद देश के 6 क्षेत्रों में बासंती अनाज की अगेती बुआई पूरी हो गई है और यूक्रेन 24 हिस्सों में, गौरतलब है कि यूक्रेन 24 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन भीषण लड़ाई के कारण पूर्वी यूक्रेन के लुहास्का में अनाज फसलों की बुआई की कोई योजना अभी तक नहीं बन पाई है। कृषि मंत्रालय यूक्रेन ने साल 2022 के संभावित अनाज उत्पादन का कोई अनुमान भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है सीजन 2021 में 8.60 करोड़ टन का अनाज का उत्पादन की तुलना में सीजन 2022 में इसका 4.14 करोड़ टन का उत्पादन हो सकता है, जो लगभग आधे से भी कम है। कुछ फर्मों में कुछ जानकारों को ये भी कहना है कि सीजन 22-23 में अनाजों का कुल 3.32 करोड़ टन का निर्यात हो सकता है, जो कि आगामी जून महीने में समाप्त होने वाले सीजन 2021-22 में 4.55 करोड़ टन का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों ये था एक रूस और यूक्रेन के पर आधारित अनाज के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, और अभी आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।